बिलोंग करता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी जो डिमांड है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो स्टूडेंट हैं लगातार 3 या 4 साल से ये लोग जो है प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, और इनकी जो डिमांड है वो कोई भी अलग डिमांड नहीं है, वो जेन्युइन डिमांड है कि इन्हें 370 से पहले रजिस्ट्रेशन मिलती थी मेडिकल असिस्टेंट को ड्रग ऑफिस से, और उसके बेस पे इन लोगों का लाइसेंस बनते थे, और ये लोग ये यूथ जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड होकर अपना रोजगार पैदा करता था। ये वो यूथ है जो कि गवर्नमेंट से नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हमें रजिस्ट्रेशन दी जाए ताकि उसके बेस पे हम रोजगार पैदा करें। ये फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो है ये ज़्यादा कोई वो नहीं मांग रहे हैं कि ये फर्स्ट एड का काम करके पेशेंट को बचाने का काम करते हैं, ये हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुँचाने के लिए फर्स्ट एड का काम करते हैं। अगर इनको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, मैंने पहले भी कहा, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा था, मैं बार बार यही कहूँगा, मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई झिझक नहीं है कि इन्होंने कहा था कि हम 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को चेंज कर देंगे। आपने चेंजेस देख लिए, दिन ब दिन आप लोग कवरेज कर रहे हैं कि दिन ब दिन कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, दिन ब दिन प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इन्होंने कहा था, हाँ इन्होंने कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जैसे कि लोगों को ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो ड्रग्स में इसलिए इन्होंने लाइसेंस दिए ना, इन्होंने लाइसेंस दिए कि आप वाइन शॉप खोलो, आपको लाइसेंस दिए जाएंगे। लेकिन जो ट्रेनिंग करके बेचारे दुकान खोल के अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं, उनको ये लोग लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। इन्होंने शराब को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, इन्होंने कहा आप शराब की दुकानें खोलो, आपको लाइसेंस दिए जाएंगे, आपसे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं मांगी जाएगी, बस आप दुकानें खोलो। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग करके, हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये लोग अभी भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने कोई ऐसे 10th पास करके कोई डिग्री नहीं किए, इन्होंने 12th पास विद साइंस, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग की 2-3 साल की, उसके बाद इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। क्या ये लोग फॉल नहीं करते इस चीज़ के लिए? फिर जो 10th पास हुए जिन्होंने 10 साल पहले लाइसेंस नहीं, क्या वो लोग फॉल करते हैं? क्या ये लोग इतना भी काम नहीं कर सकते हैं फर्स्ट एड का? क्या ये पेशेंट को बचाने के लिए फर्स्ट एड का काम नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं परमिशन? हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें कोई ना कोई जवाब दिया जाए। ये कह रहे हैं कि आप फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया में फॉल नहीं करते, ठीक है हम मानते हैं कि हम फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया में फॉल नहीं करते, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने किया था यही सोच के, अपने फ्यूचर को यही मान के चल रहे थे, अब उन्हें तो पता नहीं था इन लोगों को, हम लोगों का 370 टूटने के बाद ये होगा, अगर पता होता तो नहीं करते। लेकिन इसके बाद नहीं करवाना, आप मत करवाइए। जिन बच्चों ने किया हुआ है, हमारी यही डिमांड है कि उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए, मिलनी चाहिए, और हम अपना हक को लेने के लिए कहीं आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें